रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपदेश जो कि उन आधारित थे गुरु पर। गुरु एक ही होता है किंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं। जिसके पास से कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए उसे उपगुरु कहते हैं। भागवत में लिखा है कि दत्तात्रेय ने इसी प्रकार 28 उपगुरु किए थे। एक दिन दत्तात्रेय जी ने देखा कि सामने के रास्ते से किसी बड़े आदमी की बारात धूमधाम के साथ आ रही है। बड़ा कोलाहल मच रहा है। बाजों की ध्वनि से कानों के पर्दे फटे जाते हैं। जिस रास्ते से बारात जा रही थी उसी के समीप एक व्याद अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाए बैठा था। बारात निकल गई। कुछ समय के पश्चात एक आदमी ने आकर व्याद से पूछा, भाई यहाँ से एक बारात निकली है? व्याद ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। व्याद अपने शिकार की ओर इतनी एकाग्रता से ध्यान लगाए बैठा था कि उसके सामने से बारात निकल गई किंतु उसे कुछ खबर न हुई। यह देख दत्तात्रेय जी ने उसे नमस्कार करके कहा, आज से आप मेरे गुरु हुए। अब मैं जब भगवान के ध्यान के लिए बैठूंगा तब इसी प्रकार एकाग्र मन से ध्यान करूंगा। एक धीवर मछली पकड़ रहा था। दत्तात्रेय जी ने उसके पास जाकर पूछा, भाई अमुक गांव के लिए किस मार्ग से जाऊं? धीवर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस समय उसके जाल में मछली फंस रही थी। वह उसी की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा था। जब मछली फंस गई तब उसने कहा, आप क्या पूछ रहे थे? दत्तात्रेय ने प्रणाम करके कहा, आप मेरे गुरु हुए। आपसे जब मैं किसी काम को करूंगा तब काम पूरा होने तक मन को अन्य ओर न जाने दूंगा। एक चील अपने मुख में मछली दबाए जा रही थी। उसे देखकर दूसरे सैकड़ों चील और कौवे उसके पीछे लग गए और उसके मुंह में दबी हुई मछली को उसे छुड़ाने की चेष्टा करने लगे। वो चील जहां जाती अन्य सब चिल्ले और कौवे भी कांव कांव करते उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। अंत में विरक्त होकर उसने अपने मुंह की मछली छोड़ दी और दूसरी चील उस मछली को ले भागी। अब सब चील और कौवे पहले चील को छोड़कर दूसरी चील के पीछे लग गए। पहली चील निश्चिंत होकर एक वृक्ष पर जा बैठी। किसी सरोवर में एक बुगला एक मछली को लक्ष्य करके धीरे धीरे उसकी ओर पैर बढ़ा रहा था। पीछे एक व्याध बगुले की ताक में बैठा था, परंतु उस व्याध की उसे कुछ खबर नहीं थी। यह एकाग्रचित से मछली की ओर देख रहा था। यह देखकर दत्तात्रेय जी ने उसे प्रणाम करके कहा, तुम मेरे गुरु हो। आज से जब मैं ध्यान करने के लिए बैठूंगा तब तुम्हारे ही समान एक ही ओर अपना लक्ष्य रखूंगा, अन्य सब बातों को भूल जाऊंगा। गुरु लाखों मिलते हैं किंतु चेला एक मिलना भी कठिन है। अर्थात उपदेश अनेक है किंतु उपदेश के अनुसार चलने वाले कोई विरले ही होते हैं। वैद्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम और अदम। जो वैद्य केवल औषध देकर चला जाता है, रोगी ने औषध खाई या नहीं इत्यादि बातों की परवाह नहीं करता, वह अदम वैद्य है। जो वैद्य रोगी के औषध न खाने पर दवा के गुण बतलाकर वह अनेक मीठी मीठी बातों द्वारा औषध खिलाता है वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी के इनकार करने पर भी उसके हित के लिए बलपूर्वक औषध खिलाता है वह उत्तम वैद्य है। इसी प्रकार जो गुरु या आचार्य केवल धर्म शिक्षा देकर रह जाता है वह अदम गुरु है। जो शिष्य की भलाई के लिए उसे बारंबार समझाता है सचेत करता है वह मध्यम है। और जो शिष्य को अपने उपदेश के अनुसार आचरण करते न देखकर बलपूर्वक धर्म मार्ग पर आरूढ करता है वह उत्तम गुरु है। तो दोस्तों ये थे रामकृष्ण जी परमहंस के सदुपदेश जिनका शीर्षक था गुरु। पुराने वीडियो देखने के लिए ये खाली बटन लग रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि आप
मेरे पुराने वीडियो देख सकेंगे। याद रखिए ये है आई बटन, यहाँ बटन दबा के, यहाँ बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।